पानीपत में चोरी लूट मर्डर मंथली फिरौती मांगने जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला एक बार फिर रिफाइनरी से मंथली मांगने का सामने आया है, जहां मामले में CIA 3 पुलिस टीम ने रिफाइनरी में कंस्ट्रक्शन कंपनी MRL के मैनेजर को अगवा कर फिरौती मांगने वाली गैंग के 5 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। DSP हेडक्वार्टर सतीश वस्त ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 315 बोर की एक राइफल, 12 बोर की एक राइफल और 32 बोर की एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग पहले भी इस कंपनी से मंथली ले रहे थे, जिनके बारे में कंपनी के सुपरवाइजर को मालूम था। उसी ने आरोपियों के साथ मिलकर खुद मंथली लेने का प्लान बनाया और कंपनी के साइट मैनेजर को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद आरोपी मैनेजर को अपने कार्यालय में ले गए और वहां उसके साथ मारपीट करके जबरदस्ती मंथली देने का दबाव बनाया और उसे मंथली देने के लिए तैयार कर लिया। इस मामले में मतलोडा थाना में भी एक FIR दर्ज की जा चुकी है। वही DSP ने बताया कि लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मामले में नारा गांव का बदमाश सुरेंद्र काला गैंग वहां से 50 पैसे टन के हिसाब से मंथली ले रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों रिफाइनरी में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो रिफाइनरी में कंपनियां काम करती हैं, उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था कुछ यहाँ के गुंडा गैंगों द्वारा। तो उसी कड़ी में एक शिकायत हमारे पास मतलोडा थाने में आई थी कि 4 फरवरी को MRL कंपनी है, उसके साइट मैनेजर था, उसको कुछ लोगों ने उठा के और ज़बरदस्ती उससे कमीशन, एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी उनका, क्योंकि कंपनी का लोडिंग अनलोडिंग का काम है और एक रुपया प्रति टन के हिसाब से प्रोटेक्शन मनी उस मैनेजर से वो मांग रही थी। एक लड़का अरुण कालीरमन जो इसी कंपनी में काम करता था, उसने ये साजिश रची थी। और ये अरुण कालीरमन पहले भी जो कांड हुआ था रिफाइनरी वाला, जो फिरौती का इसी प्रकार का था, उसमें भी गिरफ्तार हुआ, जेल के अंदर था। तो और इसका एक साथी अंकित और एक जोगेंद्र और परवीन, ये पूरा इसने गैंग बनाया। और जो ये मैनेजर था, इससे प्रति टन के हिसाब से, 1 रुपये प्रति टन के हिसाब से ये एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी मांगता था। ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो इनकी लेबर होती है उसको भगा देते हैं मारपीट के। तो फिर वो जो ये बाहर के लोग हैं रिफाइनरी वाले, ये फिर इनको आश्रय लेते हैं इनका, कि वो ये कहते हैं कि भाई आपकी लेबर को हम कहीं नहीं भागने देंगे। तो इस बात का बहाना बना के ये एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी उनसे मंथली के रूप में लेते हैं। तो 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्रति टन के हिसाब से मिस्टर सुरेंद्र काला का नाम इसमें आया है कि वो इनसे मंथली लेता था। और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ये काम करें, उससे मोटिवेट होके इसने अपने 4 साथियों को तैयार किया। और जब ये मैनेजर 4 फरवरी को जब ये प्लांट से निकला स्कूटी के ऊपर, तो इन्होंने गाड़ी इसके आगे अड़ा के इसका किडनैप कर लिया। और किडनैप करके यहाँ सेक्टर 13-17 में एक इन्होंने ऑफिस बना रखा था, वहाँ पर लेके आए, उसके साथ मारपिटाई की। और उसको इस बात जबरदस्ती के लिए राजी कर लिया कि 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से हम उनको प्रोटेक्शन मनी देंगे। तो इसमें इन चारों लड़कों को, 2 लड़के अरुण और अंकित जो पहले से जेल में थे पहले केस में, उनको प्रोटेक्शन वारंट पर, और 2 अन्य लड़के जोगेंद्र और परवीन, जोगेंद्र कुंडल गांव का रहने वाला सोनीपत जिले का, और परवीन लड़का है रायपुर जाटान का, थाना गरौंडा जिला करनाल का रहने वाला है। तो हमारी DSP राजेश फोगाट के निर्देशन में और इंस्पेक्टर CIA 3 मिस्टर अनिल छिल्लर ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, चारों अपराधी। 2 को जेल से अदालत के आदेश से प्रोडक्शन वारंट पे और 2 को स्नोली रोड से। जहां इस बार कंपनी के सुपरवाइजर ने अधिकारी को अगवा कर 1 रुपए टन के हिसाब से मंथली देने के लिए तैयार किया, DSP सतीश वस्त ने बताया कि इससे पहले मामले में सुरेंद्र काला गैंग के 5 से 6 बदमाशों को काबू किया जा चुका है। इस बार जो आरोपी पकड़े गए हैं, उससे पहले वाली वारदात वाले भी 2 आरोपी इसमें शामिल पाए गए, जिनको प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।